आप सबने जरूर देश भर के बहुत सारे चमत्कारिक मंदिरों के बारे में सुना होगा और आप सब बहुत से मशहूर मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी गए होंगे। लेकिन आज हम आपको देवी माता के एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताएंगे जो शिवालिक की पहाड़ियों में देवभूमि हिमाचल की गोद पर बसे हुए त्रिलोकपुर में स्थित है। हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर बाला सुंदरी देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में लाखों हजारों की संख्या में भक्त जाकर अपना सर झुकाते हैं। इस मंदिर में बाला सुंदरी देवी माँ वैष्णो देवी के बाल स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ पर रोजाना भारी संख्या में भक्त आकर माता बाला सुंदरी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता बाला सुंदरी का यह मंदिर बहुत ही चमत्कारिक माना गया है। इस मंदिर में बजने वाली 81 घंटियों के अलावा यहाँ गूंजने वाले माता के जयकारे से पूरा माहौल गूंजने लगता है। हजारों की संख्या में भक्तजन दूर दूर से पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि माता रानी ने एक नमक के व्यापारी को सपने में बाल रूप में दर्शन दिए थे और व्यापारी से कहा था कि मैं पिंडी रूप में तुम्हारी नमक की बोरी में आ गई थी और अब मेरा निवास तुम्हारे आंगन में ही स्थित पीपल के पेड़ की जड़ में रहेगा, इसलिए लोक कल्याण हेतु तुम यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाओ। जब सुबह हुई तो उस व्यापारी ने अपने आंगन में पीपल का पेड़ देखा, तभी अचानक से ही बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ पीपल का पेड़ जड़ से ही फट गया और उस जड़ से साक्षात देवी माता प्रकट हुई। इस घटना के बारे में ये कहा जाता है कि ये घटना विक्रम संवत 1627 की है। उस दौरान सिरमौर की राजधानी का शासन महाराज प्रदीप प्रकाश के अधीन था। एक रात माता ने उन्हें भी सपने में दर्शन दिए थे और भक्त रामदास वाली कहानी सुनाई थी और मंदिर बनवाने की इच्छा भी प्रकट की थी। माता का आदेश मिलते ही महाराज प्रदीप प्रकाश ने तुरंत ही मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर को बनने में 3 वर्ष का समय लगा। यह मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर है। यह मंदिर मुगलकालीन वास्तुकला से बना है। माता बाला सुंदरी मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हिमाचल हरियाणा के अलावा दिल्ली यूपी और पंजाब के कई शहरों से लोग भारी संख्या में माता के दरबार में अपना सर झुकाने आते हैं और अपने मन की मुराद मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में आकर अपनी मुराद मांगता है वो अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर के अंदर भक्त हलवे का प्रसाद और फूल माता अर्पित करके अपनी मनोकामना मांगते हैं। वर्ष में 2 बार अश्वनी और चैत्र मास के नवरात्रि में यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है और इस मेले में भी दूर दराज से भक्त लाखों की संख्या में माता के दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जिस चमत्कारिक मंदिर में देवी माँ पीपल की जड़ से हुई थी प्रकट और करती हैं भक्तजनों की मन्नतों को पूरा। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। जय हिंद, जय माता दी दोस्तों।